तो हेलो गाइस, वेलकम टू अजय टेक्निक यूट्यूब चैनल। आपको भी अगर इसी तरह के व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है तो आप ज़रूर बना पाओगे। इससे लिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक काइनमेटर एप्लीकेशन को ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना या तो आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम अपने काइनमेटर को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, हमने अपने काइनमेटर को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे प्लस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से एक रेशियो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, जो हमने अपने बैकग्राउंड में PNG एंड वीडियो बैकग्राउंड का यूज करूंगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले आपको अपने यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो देखते हो फ्रेंड्स, हमने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। इसको हम पूरा 15 सेकंड का कर देते हैं, क्योंकि हम व्हाट्सएप स्टेटस को 15 सेकंड का ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फुल कर देते हैं 15 सेकंड। अब यहाँ से हम PNG ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने बल्ब का PNG पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया। इसको यहाँ से हम ब्लेंडिंग कर लेते हैं, इसको हम स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन करने के बाद इसको डन कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं। इसको डुप्लीकेट बना के यहाँ पे हम ऊपर में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये दोनों यहाँ पे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो देखो तो फ्रेंड्स, हमने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से दोनों डन कर लेना है। इसको हम 15 सेकंड का कर देते हैं दोनों। उसके बाद फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने अगले प्रोसेस पे। लॉयर पर क्लिक करके हम यहाँ से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो देखो तो फ्रेंड्स, मेरा ये फ़ोटो है जो हम काम व्हाट्सएप स्टेटस बैकग्राउंड दीपावली का बनाना चाहते हैं। इसका हम सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं। इसका आप बैकग्राउंड रिमूव करके हमने पहले से रखा है, इसके लिए आपको भी इसको बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो तो 3 डॉट पर क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, आपको एक रोटेट का ऑप्शन आ रहा है। रोटेट क्लिक करके यहाँ पे आप रोटेट कर लेंगे, थोड़ा इस तरह से कुछ आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, फोटो पर क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डन कर देते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करके इसको ब्लेंडिंग, यहाँ पे आप देखो तो अल्फा का ऑप्शन आ रहा है, अल्फा पे जाके इसको थोड़ा कम कर देते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने कुछ इसको ऐसे कम कर दिया है। इसके बाद इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस, हमने कुछ इसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद हमने जो PNG रखा है उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा PNG यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके बाद इसको हम ब्लेंडिंग पे जाएंगे। यहाँ पे हम ब्लेंडिंग में जाके यहाँ पे हम स्क्रीन कर देते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसके कुछ इस तरह से कर दिया है। उसके बाद यहाँ से हम डन कर देते हैं। इसके बाद हमारी जो सारे फोटो हैं इसको हम पूरा 15 सेकंड का फुल कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो हैप्पी दीपावली का PNG टेस्ट डाउनलोड किया था उसके यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारा PNG नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कोई टेस्ट ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया है। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया हैप्पी दिवाली। इसके बाद यहाँ पे इसको हम कलर दे देते हैं। एक मैंने कुछ इस तरह से इसको कलर दे दिया है। कलर देने के बाद इसको यहाँ पे हम ए पे क्लिक करेंगे, इसका एक फ्रंट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखो तो एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हमने यहाँ से बहुत सारे ये टेक्स्ट का फ्रंट चेंज कर लिया है, यानी कि डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से आपको भी डाउनलोड कर लेना है, आपको जो अच्छा लगे। यहाँ से हमने एक सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स,
एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से थोड़ा हम इन एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको कुछ इस तरह से कर देंगे। देखो तो फ्रेंड्स, फेड का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम डन कर देते हैं। इस पर फिर से हम ये डन हो गया। इसको हम पूरा फुल करेंगे। हो गया फ्रेंड। इस पर फिर से क्लिक करके यहाँ से हम नीचे आएंगे। यहाँ पे आउट लाइन का ऑप्शन है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका एक दूसरा कलर हम दे देंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद देख दो फ्रेंड्स, वहाँ पे पीछे का एक कलर हो गया है। उसके बाद फ्रेंड फिर से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब देख दो स्लोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम ओपन करेंगे। इसका एक दूसरा कलर हम ऐड कर देंगे यहाँ से कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसको डन करेंगे। उसके बाद ग्लो का ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको हम ओपन करेंगे। इसको कुछ इस तरह से कर देंगे। उसके बाद मेरा ये डन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमने एक जो बॉर्डर ऐड किया था, यहाँ पे हम बॉर्डर यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरा ये बॉर्डर है। इसको हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देख तो कुछ इस तरह से हो गया है। इसको हम पूरा फुल स्क्रीन कर देंगे। तो देख सकते हो गाइस, हम एक बार इसको म्यूट करके आपको हम दिखा देते हैं किस तरह से हमारा हो गया है। तो इसको एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरह से हमारा हो गया है। इसके बाद हमें एक इफेक्ट और यहाँ पे लाना है, जो कि हमारा फोटो है। फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आप देख सकते हो इन एनिमेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्लाइड लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर से फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें तो आउट एनिमेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ इस तरह से फेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर से हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं हमारे किस तरह से व्हाट्सएप स्टेटस बन चुका है। तो देख सकते हो गाइस, हमारा व्हाट्सएप स्टेटस पूरी तरह से बन गया है। तो होप आप गाइस, आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।